हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। खेती में मेहनत करने वाले अन्नदाता आज सड़क पर हैं। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के 80वें दिन भी समाधान की उम्मीद कोसों दूर है। किसानों के नाम पर राजनीतिक दल सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ हैं, बावजूद इसके दिल्ली की सीमाओं पर अन्नदाता बेबस लेकिन जोश में है। रिपोर्ट देखें। किसान आंदोलन 80वें दिन भी जारी है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों का आंदोलन इतना लंबा चलेगा। पहले दिन से अब तक आंदोलन में कई तरह के बदलाव देखे गए। वक्त बीतने के साथ आंदोलन में किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कुंडली बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस से पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या में इजाफा हुआ। 26 जनवरी को हुए घटनाक्रम के बाद खाप पंचायत अब आंदोलन के कर्णधार बने हुए हैं। आंदोलन को तेज करने के लिए लगातार महापंचायतें हो रही हैं और एक के बाद एक नए नए संगठन किसान आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। भले ही आंदोलन के तरीके में बदलाव हुआ हो, लेकिन आज भी धरने पर बैठे किसानों का मकसद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। जैसे भी रहेगा ये बंद रद्द करवा के जाएंगे, यहाँ से नहीं रद्द करवा के जाएंगे। मौसम चेंज हो रहा है उसको लेकर क्या तैयारी? मौसम नहीं है, मौसम अगे भी होता जाता रहा है। खेतों में धूप में उतर कम कर रहे करी जाएंगे, मारने घबरा करता है, कोई घबरा नहीं। खेतों में ऐसा मौसम देखते हैं? ये दू ज्यादा है, मौसम कुछ भी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा, 50 तापमान हो जाए खेतों में। आंदोलन के लिए सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसानों ने यहाँ अपनी अलग ही बस्ती बसा ली है, जहां आंदोलन में शामिल किसानों के लिए 24 घंटे लंगर चलाया जा रहा है। देश का पेट पालने वाला अन्नदाता जब अपने ही अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में कई सामाजिक संगठन भी आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। यही वजह है कि बॉर्डर पर दूध, फल, सब्जियों के अलावा दूसरी चीजों की लगातार सप्लाई की जा रही है। साथ ही यहाँ पर अपना सहयोग देने वाले लोग भी अन्नदाताओं की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कृषि को लेकर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि लंगर को ना टूटने दिया जाए, इसलिए आप देख सकते हैं कि सब्जियां यहाँ पर हैं। सब्जियां जो है वो पूरी मात्रा में है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं कि सभी सब्जियां हैं और इनको बचाने के लिए अब फ्रिजों की तैयारी की जा रही है। गुरुद्वारा साहिब में जो फ्रिज होते हैं ओपन एयर फ्रिज होते हैं, जो पेटी टाइप होते हैं, उसमें करीब एक क्विंटल दूध आ जाता है, जो सब्जियां भी आए। जहाँ पर जब मशीनें लगा रखी हैं तो हमारे NRI वाइज और हमारे संगत जो है गुरुघर से जुड़ी हुई है, वो संगत के अपना इकट्ठा करके फंड बड़ी बड़ी फ्रिजें ले भी लेंगे। बेशक एक साल लग जाए, दो साल लग जाए, असी अपना राज कायम होने तक इतने कायम रहेंगे। हमारी ऐसे तैयारी है जी, जैसे गर्मी आ रही है हम वध से वध यहाँ लाके सामान रखेंगे, जो खराब नहीं होएगा सब्जी है तो उसको भी रात को मैं लगानी है तो फ्रिज में लगाएंगे। जितना चीज आंदोलन चलेगा उतना चीज हम साथ देंगे। बॉर्डर पर जारी धरने पर शामिल किसानों के लिए लोग गांव-गांव से राशन, दूध, लस्सी और सब्जियां लेकर पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचाई जाने वाली चीजों के लिए अलग अलग जगहों को चुना गया। कोई लकड़ियां लेकर पहुंच रहा है तो कोई दूध से भरे बर्तनों को बॉर्डर तक पहुंचा रहा है। कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। और ड्यूटी लगी हुई है हमारी, और दो दिन आते हैं, एक दिन एक ग्रुप आता है दो दिन, और दो दिन दूसरा ग्रुप आता है। हम आई बार जितना हमसे हो सकता है उतना दूध लाते हैं, और जैसा आपको पता है हरियाणा है जो वो दूध दही के लिए माना जाता है, समझा जाता है। सूखी रस्त लाते हैं हम नौजवान लड़के आते हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन पर इस वक्त पूरे विश्व की नजरें आ टिकी हैं। कृषि कानून और किसान आंदोलन को देखने का लोगों का नजरिया भी अलग अलग है, लेकिन आंदोलन में एकजुट किसानों का मकसद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना है, ताकि उनकी खेती और अस्तित्व की रक्षा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आंदोलन 80वें दिन में प्रवेश कर चुका है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रहलाद भारूखेड़ा, किसान नेता, जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर।
लगातार आंदोलन आगे बढ़ रहा है लेकिन समाधान दूर दूर तक नहीं दिख रहा। विपक्ष का सपोर्ट मिलने के बाद, खाप पंचायतों का सपोर्ट मिलने के बाद भी कुछ खासा असर होता नहीं दिख रहा सर। ऐसे में इस आंदोलन का जो समाधान है वो कैसे हम उस तरफ बढ़ेंगे, क्या सोच रहा है किसान, कब तक बैठना है, कोई तो एक एंड पॉइंट होगा सर। जब तक बैठेंगे, जब तक ये तीन कानून रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बन जाता। इसको आंदोलन को जब शुरू किया था तब ये तय करके आए थे कि आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक ये हम घरों को तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक ये कृषि कानून जो है रद्द नहीं हो जाते हैं। इनको कृषि कानून कहे जा रहा है, असल में ये कृषि कानून नहीं है, ये कानून जो कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाले कानून है। और ये आंदोलन के अंदर लगातार यहां बैठने से लोगों के अंदर एक ऊर्जा है, एक उत्साह है, लगातार लोगों की जो संख्या इसके अंदर बढ़ती जा रही है। इस आंदोलन के दौरान 225 से किसान हमारे अब तक शहीद हो चुके हैं। और अब ये जो सीजन भी आ रहा है हमारा आगे गर्मी का, इसको लेके थोड़ा कई बार चर्चाएं होती है, कह रहे हैं कि अब ये मौसम ऐसा आएगा तो शायद मुश्किल आ जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि हम चाहे सर्दी भी झेल गए, हम ये गर्मी भी झेल जाएंगे, लेकिन देश को बचाना है, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है दबाव नहीं बढ़ रहा है। सरकार पहले ये सोच रही थी कि ये तो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, इसलिए सरकार ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही थी। ये बात सच्चाई है कि सरकार के ऊपर दबाव नहीं बढ़ रहा, लेकिन अब ये यूपी के अंदर भी आंदोलन बढ़ रहा है। कल अब ये आंदोलन राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है, अब ये आंदोलन जो महाराष्ट्र के अंदर बढ़ रहा है। कल आप लोग एक मैसेज दे रहे थे कि अगर इन तीनों कृषि कानून में एमएसपी का कानूनन गारंटी सरकार देने को तैयार है, इसमें शामिल करने को, शुमार करने को तैयार है, तो हम संशोधन पर सोच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो संशोधन पर सोच सकते हैं आप लोग, प्रहलाद जी जवाब। संशोधन की तो सोचने की अभी कोई बात आई नहीं है, अभी तक तो यही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सब संयुक्त मोर्चे के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी संयुक्त मोर्चे का जो फैसला वो यही है। ऐसी बात हुई है, आप नहीं बोल रहे हैं, मैं बताती हूँ। आप ही कल बोलने वाले हैं, रुक जाइए। राजा पटेल हैं और प्रवीण अत्रे हैं। प्रवीण अत्रे साहब बहुत स्वागत है, नमस्कार सर। धन्यवाद। किसान नेता को सुना आपने? मैं किसान नेता को भी सुन रहा था और उससे पहले जो आपने सर, बस एक सेकेंड, एक अपडेट लेकर मैं आ रही हूँ आपके पास। राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, क्या ताजा जानकारी है आपके पास किसान आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लाल किले पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मुख्य आरोपी है दीप सिद्धू, उसको यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंची है। साफ तौर पर बारीकियां यहाँ पर इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। चाणक्यपुरी से सीधा दीप सिद्धू को यहाँ पर लेकर आया गया और लगातार दीप सिद्धू से जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है अनामिका, मैं आपको बता दूं कि हर एक सीन्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लाल किले की तस्वीरें और दीप सिद्धू को यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो कहीं ना कहीं लेकर आई है। पूरी जो सुरक्षा की बात करें वो पूरी चाक चौबंद है, तमाम जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं, मीडिया एंट्री पर भी साफ तौर पर बैन लगाया गया। और साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें लाल किले को पर जिस तरीके से 26 जनवरी को हिंसा हुई थी उसको लेकर अब क्राइम ब्रांच बारीकी से जांच कर रही है और हर एक पहलू तक जाने की कोशिश कर रही है। उसी में हम बात करें जो इकबाल सिंह है वो भी कहीं ना कहीं आरोपी दीप सिद्धू के साथ था और उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लेकर आया और क्राइम ब्रांच की चीज बारीकी से जिस तरीके से लाल किले पर चढ़े और झंडा जिस तरीके से फहराया, अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज जिस तरीके से बात करें कहीं कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर अब क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंची है। जी, यानी कुल मिलाकर क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करना चाहती है, देखना चाहती है कि कहां पर चूक हो गई कि दीप सिद्धू सरीखे लोग यहां पर घुसे और तिरंगे का अपमान किया। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से हम बात करें 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी और आज क्राइम ब्रांच की जो अलग अलग टीमें हैं जो बारीकी से जांच कर रही है वो यहां पर पहुंची है दीप सिद्धू को लेकर और जिस तरीके से जो क्राइम ब्रांच की जो सीन्स है उन पर बारीकियां जानने की कोशिश कर रही है और पहलू पर जाने की कोशिश कर रही है कि दीप सिद्धू के साथ, इकबाल सिंह के साथ जो तमाम जो अलग अलग जो लोग थे जो यहां पर पहुंचे थे जिन्होंने हिंसा भड़काई उन सभी लोगों की यहां पर सीसीटीवी फुटेज भी कहीं ना कहीं चेक किए जा रहे हैं और बारीकी से कहीं ना कहीं जानकारी ली जा रही है। जी ठीक है, अभी तक दीप सिद्धू ने क्या कबूला है, अपने बचाव में वो क्या बोल रहा है, अगर आप बहुत जल्दी से संक्षेप में बता दे तो। प्रवीण अत्रे साहब के पास लौटना है मुझे।
बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बात करें दीप सिद्धू की, दीप सिद्धू ने पहले ही जिस तरीके से बयानों में लगातार बदलाव वहां कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर पहले भी दीप सिद्धू ने यह कहा कि किसानों के समर्थन में आए थे, उनको कोई हिंसा पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था साफ तौर पर, और पहले दीप सिद्धू ने ऐलान कर दिया था। और जिस तरीके से आज सीन यहां पर क्रिएट करने को लेकर यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, तो अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद दीप सिद्धू क्या बयान दर्ज कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच को कराता है। जी ठीक है, अपडेट के लिए मैं लौट कराती रहूंगी, नजर बनाए रखिए और आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं राजा, कोई भी अपडेट हो इस दरमियान तो आप हाथ ऊपर करके हमें वो अपडेट दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। प्रवीण साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ, किसान नेता को आप सुन रहे थे, दिल्ली पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है उस पर भी अपडेट अब हमारे पास आ गया है, लेकिन किसान नेता कल जो ये कह रहे थे, कल जो बहादुरगढ़ में महापंचायत हुई वहां पर भी मंच के जरिए ये बोला गया कि अगर कानूनन गारंटी एमएसपी पर मिल जाता है तो हम संशोधन पर सोचेंगे, आज वो फिर से यूटर्न ले लिया उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कानून वापसी करनी होगी सरकार को। देखिए अनामिका, आपको इन सब बातों से इस आंदोलन की सच्चाई कहीं ना कहीं जरूर समझ में आ रही होगी। हाँ। अभी मैं आपका प्रोमो सुन रहा था जिसमें आप एक किसान की बाइक चला रहे थे जो वहां पे अपने आप को किसान बता के बैठा हुआ है, और वो पंजाबी में क्या बोल रहा था कि भावे कितना मर्जी टाइम लग जाए, जब तक साडा राज कायम नहीं होगा असं इथों नहीं जावांगे। अब आप इस आंदोलन की सच्चाई समझ सकते हैं कि आप आंदोलन अपना राज कायम करने के लिए कर रहे हैं या किसानों की मांगों के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान नेता जो कल बात मंच से कही गई उससे पलट गई। और आपको एक और चीज याद दिला देता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ये बात कही थी कि एमएसपी थी है और रहेगी, तो राकेश टिकैत का बयान आता है कि हमने कब कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये राकेश टिकैत ने बोला था। जो राकेश टिकैत 5 जून को इन कानूनों की तारीफ कर रहे थे, वही राकेश टिकैत आंदोलन में आ जाते हैं ये कहते हुए कि इसकी वजह से एमएसपी खत्म हो जाएगी। जब देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के पटल पे ये बात कहते हैं तो वही राकेश टिकैत अपनी बात से फिर पलट जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसान। सर, जब आप एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं प्रवीण अत्रे जी, तो इस पर विपक्ष भी लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि जब आपको ये पूरा भरोसा है कि जो मंडी में एमएसपी मिल रहा है वो जस का तस बरकरार रहेगा, वहां पर मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा, ये पीएम ने भी बोला, आपको पूरा भरोसा है कि जो ओपन मंडी आप दे रहे हैं यानी मंडी के बाहर भी जो व्यापार हो सकता है वहां पर भी आपको दिख रहा है कि किसान को एमएसपी से कहीं ज्यादा बढ़ के मूल्य मिलेगा, तो फिर एमएसपी पर कानूनन गारंटी आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा भी पूछ चुके, राहुल गांधी भी पूछ चुके, लगातार आप इन सवालों को सुन रहे होंगे, इसका जवाब। बिल्कुल आपने सही बोला, देखिए दीपेंद्र हुड्डा भी पूछ रहे हैं, राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं, और शिवसेना के नेता वो भी पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं, किसान भी पूछ रहे हैं, नरेंद्र भी पूछ। आप समझिए कि ये जो आंदोलन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दीपेंद्र हुड्डा जब ये सवाल करते हैं तो क्या हमारा पलट के ये सवाल नहीं बनता, हमारे से मतलब मैं पत्रकार साथियों को कह रहा हूँ, हमारा सवाल क्या ये नहीं बनता कि हुड्डा साहब कांग्रेस ने 63 साल देश पे राज किया, तब आपने ऐसा विचार आपके मन में क्यों नहीं आया कि एमएसपी पे कानून बना देना चाहिए? क्या हमारा सवाल ये नहीं बनता कि हुड्डा साहब जब आपके पिता उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे जिस कमेटी ने इन कृषि सुधारों की सिफारिश की थी, तो आज ये सुधार हो रहे हैं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम सवाल वाजिब है सर, लेकिन जो सत्तासीन होते हैं सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं सर। प्रवीण अत्रे, जो सत्ता में है सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं है अनामिका, आपकी आवाज कट रही है। प्रवीण साहब, मैं ये कह रही हूँ कि जो कुर्सी पर बैठे हैं जो सत्तासीन है सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा, उन्होंने नहीं किया तो आप नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। देखिए ऐसा है, पहले वही समझा देता हूँ, जो ये 3 कानून हैं, इन तीनों कानूनों का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है, ये आपने कानूनों को पढ़ के भी देख लिया होगा। जब विपक्ष इन कानूनों की गलत व्याख्या करके किसान भाइयों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा था, हमने तब भी ये स्पष्ट किया था। उदाहरण के तौर पर एक बात मैं कहूंगा, आपने देखा लोकसभा के पटल पे कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जो लुधियाना से लोकसभा सदस्य हैं रवनीत बिट्टू, वो वहां पे ये झूठ बोलते हैं कि इसकी वजह से किसान की जमीन चली जाएगी, इस बात की आपने रिपोर्टिंग भी की, मैंने आपका प्रोग्राम देखा। लेकिन जब उनसे वहां ये सवाल पूछा जाता है तो आप बता दीजिए कानून में कहां लिखा है कि किसान की जमीन चली जाएगी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम किसान को इन कानूनों का सत दिखाएं?
जब प्रधानमंत्री लोकसभा में ये कहते हैं कि ये एक ऑप्शन है, ये एक विकल्प है, किसान भाई की इच्छा है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे चाहे तो ना करे, किसान भाई की इच्छा है कि वो सरकारी मंडी में बेचे या बाहर व्यापारी को बेचे, तो जब उसके पास एक अन्य विकल्प आ गया जिसके लिए वो बाध्य नहीं है तो उसको एमएसपी से कोरिलेट क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। देखिए इसके जो मैथमेटिक्स के ऊपर जब मैं बात करना शुरू करूंगा तो एक सवाल आ जाएगा कि साहब आप तो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। सर हम 80 दिन के आंदोलन और 11 दौर की बात के बाद अगर अब समीकरण बिठाएंगे अब गणित पर बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बहरहाल आपने जो कुछ कहा है प्रहलाद सिंह संतोषजनक जवाब लगा सर। कहीं आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर लिखित गारंटी दे देती है सरकार तो आप लोग वापस ले लेंगे आंदोलन? नहीं, जब तक ये कृषि कानून जिनको कह रहे हैं जो कॉरपोरेट घरानों के इशारे पे बनाए गए हैं ये इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए ये आंदोलन उठा है और एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनवाने के लिए, तो अभी तक जो संयुक्त मोर्चे का जो फैसला है वो यही है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि एक चीज हो जाएगी तो आंदोलन वापस हो जाएगा। कल गुरनाम चडूनी ने कहा बहादुरगढ़ में, प्रपोजल भेजा है कल गुरनाम चडूनी ने कहा बहादुरगढ़ में कि अगर आप कानूनन एमएसपी पर गारंटी दे देते हैं तो हम सोच सकते हैं संशोधन के बारे में, कहा तो है। नहीं किसने कहा ये सर? नाम बता रही हूँ, गुरनाम सिंह चडूनी। हेलो, नहीं संयुक्त मोर्चे में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। संयुक्त मोर्चे में ऐसा फैसला यानी आंदोलन कर रहे किसान बटे हुए हैं क्या सर? तो वो उसका निजी मामला है, संयुक्त मोर्चे का फैसला। बहादुरगढ़ में निजी मामला तो नहीं दिख रहा था जब दलाल 84 खाप पंचायत बुलाई गई थी महापंचायत, वहां पहुंचने वाले किसान नहीं थे? नहीं किसान है लेकिन संयुक्त मोर्चे के अंदर 500 किसान संगठन है, 500 किसान संगठन बैठ के वो फैसला करेंगे, उनका मानना जाएगा किसी आदमी का किसी का विचार मतलब हो सकता है, बहुमत का फैसला माना जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिंगरा साहब बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। किसान आंदोलन की आड़ में सियासत लगातार आरोप और सबसे ज्यादा छींटे कांग्रेस के दामन पर। किस तरह से मैम, क्यों छींटे मार रहे हैं आप? नहीं हम नहीं मार रहे, हम तो दिखा रहे हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा। सरकार बार बार कह रही है कि विपक्ष के बरगलाने से किसान इस तरह का आंदोलन किए हैं। आंदोलनजीवी सरकार ने किसानों को नहीं बल्कि उनको कहा जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसा सरकार को लगता है। नहीं देखिए, आप पहली बार आरोप सुन रहे हैं क्या? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अकेला आंदोलनजीवी नहीं कहा, उन्होंने साथ में परजीवी भी कहा। हाँ, परजीवी होता है जो जैसे कोई खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, मैंने उसका मतलब यही समझा। ये आंदोलनजीवी और परजीवी का पहले मतलब समझना चाहिए कि आंदोलनजीवी तो है किसान और परजीवी जो है वो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। तो ये बताया जाए कि ये परजीवी की परिभाषा किस किसान से जुड़ी हुई है। आप लोगों ने जिस तरीके से ये बात सामने रखी, प्रधानमंत्री ने कहा किसानों का आंदोलन पवित्र आंदोलन है, आंदोलन होते आए हैं, होने चाहिए, जरूरी भी है, आगे भी होंगे, उन्होंने ये बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन इस पवित्र आंदोलन को कुछ आंदोलनजीवी और परजीवी हैं वो अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं और इसीलिए समाधान नहीं हो पा रहा है। तो परजीवी बताना चाहिए ना, परजीवी किसान जो किसान नेता हैं उनको कहा जा रहा है या कोई कौन आदमी है जिनको परजीवी कहा जा रहा है? अगर किसान जो खेती कर रहा है प्रवीण अत्रे साहब केवल ढींगरा समझे नहीं तो उसी को परजीवी कहा जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रवीण अत्रे जी, किसे कहा गया आंदोलनजीवी परजीवी? देखिए आंदोलनजीवी परजीवी और ये खून चूसने वाला कीड़ा कहाँ से आ गया? मैं वही बता रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग, रवनीत बिद्दू जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, ये हैं वो परजीवी आंदोलनजीवी। क्योंकि किसान भाइयों के आंदोलन के नाम पे जिस तरह से ये लोग अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने भी देखा किसान भाई अपनी मांग को लेके अगर आंदोलन करते हैं तो ये परजीवी उस आंदोलन के अंदर अराजकता पैदा करके मोबाइल टावर तोड़ते हैं, टोल बैरियर तोड़ते हैं, दिल्ली की सड़कों पे दंगा करते हैं, लाल किले पे देश को शर्मसार करते हैं, ये है वो परजीवी आंदोलनजीवी जिसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा भी है, रवनीत सिंह बिट्टू भी है, योगेंद्र यादव भी है, अरविंद केजरीवाल भी है, अखिलेश यादव भी है। ढींगरा साहब को समझना चाहिए, इनको स्पष्ट तौर पर कहा गया है
किसान भाइयों का आंदोलन एक पवित्र आंदोलन जिसको अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करने की कोशिश आप लोग कर रहे हो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हो, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी जिसको समझना पड़े कि परजीवी कौन और आंदोलन जीवी कौन। स्पष्ट तौर पर पता है कि कौन है ये परजीवी। जो लोग लगातार इन कृषि सुधारों का दावा करते रहे जब सत्ता में थे लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि बरगलाने तक तो ठीक था, किसानों को भरमा रहे हैं कानून के बारे में गलत प्रचार विपक्ष, ये तक तो ठीक था, लेकिन आप नाम भी ले रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा और तमाम दूसरे नेताओं का और कह रहे हैं कि उपद्रव का आपने जिक्र किया यहाँ पर, आप उपद्रव का जिक्र कर रहे हैं, आप लाल किले में तिरंगे का अपमान, लाल किले में तोड़फोड़ का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष में होते तो क्या आप आंदोलन के साथ नहीं खड़े होते, किसान के साथ नहीं खड़े होते, या आज आप पक्ष में ही है सत्ता में है तो क्या आप किसानों के साथ नहीं खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी आज भी किसान के साथ है, कल भी किसान नहीं के साथ तो दीपेंद्र हुड्डा को कहां उपद्रव करते हुए देख लिया सर आपने, मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? किसान हमारे हैं, किसान हमारा स्वाभिमान है, किसान हमारा अभिमान है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है। बिल्कुल, और यही बात अगर दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के दूसरे लोग या लेफ्ट के लोग कह रहे हैं तो क्या आपत्ति है? अनामिका वही, आप किसान के किसान, आपका फिर भी आंदोलन 80 दिन से खत्म नहीं हो पाया। सवाल खत्म हो तो मैं जवाब, मेरा सवाल एक लाइन और बोलूंगी मैं सर, उसके बाद बोलिए आप किसान के, किसान आपका स्वाभिमान अभिमान सब कुछ है, किसान आपका, उसके बाद भी 80 दिन हो गए समाधान नहीं मिला। मैं वही बता रहा हूँ, जो किसान आंदोलन था 5 तारीख की वार्ता में सरकार ने जब किसान भाइयों की जितनी आशंकाएं थी उनके निवारण का आश्वासन दे दिया था, एमएसपी पे लिखित गारंटी की बात कह दी गई थी कि खत्म नहीं होगी, और जितनी आशंकाएं थी सबका सरकार निवारण करने के लिए लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार हो गई थी, उस दिन वो किसान आंदोलन खत्म हो गया था। उसके बाद ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन गया जिसमें विपक्षी दल के नेता, केवल डिंगरा जवाब दीजिए, केवल डिंगरा क्विक रिएक्शन। देखिए मैं अभी भी यही पूछ रहा हूँ कि ये विपक्ष के लोगों को परजीवी बोल रहे हैं, वो कीड़े हैं, जैसे केजरीवाल जी कीड़े लग रहे हैं इनको, दीपेंद्र हुड्डा जी माननीय जो है वो भी खत्म कीजिए जल्दी जल्दी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष, ये सत्ता पक्ष को क्या हो गया, इन्होंने क्या खा लिया। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबों का, वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, राजा पटेल अपडेट के लिए आपके पास भी लौट कर मैं आती रहूंगी। फिलहाल 80 दिन के इस आंदोलन पर हम यही रुक रहे हैं।